not be broadcasting our special programming because we'll take you to Ujjain instead, where Prime Minister Narendra Modi at the moment is addressing the Vaicharik Kumbh. ये कुंभ मेले के द्वारा होता था. मैं तर्क से और अनुमान से कह सकता हूं कि समाज वेत्ता, संत, महंत, ऋषि, मुनि जो हर पल समाज के सुख दुख की चर्चा और चिंता करते थे, समाज के भाग्य और भविष्य के लिए नई नई विधाओं का अन्वेषण करते, इनोवेशन करते थे, इन्हें वे हमारे ऋषि जहां भी थे वे बाह्य जगत का भी रिसर्च करते थे और अंतर यात्रा को भी खोजने का प्रयास करते थे. तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रही, सदियों तक चलती रही, हर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही, लेकिन संस्कार संक्रमण का काम, विचारों का संकलन का काम, कालानुरूप विचारों को तराजू पर तोलने की परंपरा, ये सारी बातें इस कुंभ की परंपरा में समित थी, समाहित थी. एक बार प्रयागराज के कुंभ मेले में बैठते थे, एक फाइनल डिसीजन लिया जाता था सबके द्वारा मिलकर के कि पिछले 12 साल में समाज यहां यहां गया, यहां यहां पहुंचा, अब अगले 12 साल के लिए समाज के लिए दिशा क्या होगी, समाज की कार्यशैली क्या होगी, किन चीजों की प्राथमिकता होगी. और जब कुंभ से जाते थे तो लोग उस एजेंडा को लेकर के अपने अपने स्थान पर पहुंचते थे. और हर 3 साल के बाद, जबकि कभी नासिक में, कभी उज्जैन में, कभी हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता था, तो उसका मिड टर्म अप्राइजल होता था कि भाई प्रयागराज में जो हम निर्णय करके गए थे 3 साल में क्या अनुभव आया. और हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते थे, 30 दिन तक एक ही स्थान पर रह करके समाज की गतिविधियों, समाज की आवश्यकताएं, बदलता हुआ युग, उसका चिंतन मनन करके उसमें फिर एक बार 3 साल का करणीय एजेंडा तय होता था इन द लाइट ऑफ द मेन महाकुंभ जो कि प्रयागराज में होता था. और फिर 3 साल के बाद दूसरा जब कुंभ लगता था तो फिर से रिव्यू होता था. एक अद्भुत सामाजिक रचना थी ये. लेकिन धीरे 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 अनुभव यह आता है कि परंपरा तो रह जाती है, प्राण खो जाता है. हमारे यहां भी अनुभव यह आया कि परंपरा तो रह गई लेकिन समय का अभाव है. अब 30 दिन कौन रहेगा, 45 दिन कौन रहेगा, आओ भाई 15 मिनट जरा डुबकी लगा दें, पाप धो जाए, पुण्य कमा ले और चले जाए. ऐसी जैसे बदलाव आए उसमें से उज्जैन के इस कुंभ में संतों के आशीर्वाद से एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ. और यह नया प्रयास एक प्रकार से उस सदियों पुरानी व्यवस्था का ही एक मॉडर्न एडिशन है. और जिस समय वर्तमान समाज में वैश्विक संदर्भ में मानव जात के लिए क्या चुनौतियां हैं, मानव कल्याण के मार्ग क्या हो सकते हैं, बदलते हुए युग में काल बाह्य चीजों को छोड़ने की हिम्मत कैसे आए, पुरानी चीजों को बोझ लेकर के चल करके आदमी थक जाता है, उन पुरानी कालबाह्य चीजों को छोड़ करके एक नए विश्वास और नई ताजगी के साथ कैसे आगे बढ़ जाए, उसका एक छोटा सा प्रयास इस विचार महाकुंभ के अंदर हुआ है. जो 51 बिंदु, अमृत बिंदु इसमें से फलित हुए हैं, क्योंकि ये एक दिन का समारोह नहीं है. जैसे शिवराज जी ने बताया, देश और दुनिया के इस विषयों के जानकार लोगों ने मिलकर के
दो साल मंथन किया है, साल भर विचार विमर्श किया है और पिछले तीन दिन से इसी पवित्र अवसर पर ऋषियों मुनियों संतों की परंपरा को निभाने वाले महान संतों के सानिध्य में इसका चिंतन मनन हुआ है और उसमें से ये 51 अमृत बिंदु समाज के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। मैं नहीं मानता हूं कि हम राजनेताओं के लिए इस बात को लोगों के गले उतारना हमारे बस की बात है, हम नहीं मानते, लेकिन हम इतना जरूर मानते हैं कि समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोग, चाहे वो गेरुए वस्त्र में हो या न हो, लेकिन त्याग और तपस्या के अधिष्ठान पर जीवन जीते हैं, चाहे एक वैज्ञानिक अपनी लेबोरेटरी में खपा हुआ हो, चाहे एक किसान अपने खेत में खपा हुआ हो, चाहे एक मजदूर अपना पसीना बहा रहा हो, चाहे एक संत समाज का मार्गदर्शन करता हो, ये सारी शक्तियां एक दिशा में अगर चल पड़ती हैं तो कितना बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। और उस दिशा में ये 51 अमृत बिंदु जो है आने वाले दिनों में भारत के जनमानस को और वैश्विक जनसमूह को भारत किस प्रकार से सोच सकता है और राजनीतिक मंच पर से किस प्रकार के विचार प्रभाव समयानुकूल हो सकते हैं, इसकी चर्चा अगर आने वाले दिनों में चलेगी तो मैं समझता हूं कि प्रयास सार्थक होगा। हम वो लोग हैं जहां हमारी हर छोटी छोटी चीज बड़ी समझने जैसी है। हम उस संस्कार सरिता से निकले हुए लोग हैं जहां एक भिक्षुक भी भिक्षा मांगने के लिए जाता है तो भी उसके मुंह से निकलता है, दे उसका भी भला न दे उसका भी भला। ये छोटी बात नहीं है, ये एक वो संस्कार परंपरा का परिणाम है कि एक भिक्षुक के मुंह से भी शब्द निकलता है, जो देगा उसका भी भला, जो नहीं देगा उसका भी भला। यानी मूल चिंतन तत्व भाव ये है कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, ये हर प्रकार से हमारी रगों में भरा पड़ा है। हम ही तो लोग हैं जिनको सिखाया गया है, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, त्याग कर हिके ही भोग देगा अप्रतिम आनंद होता है, ये हमारी रगों में भरा पड़ा है। जो हमारी रगों में है वो क्या हमारे जीवन आचरण से अछूता तो नहीं हो रहा है? इतनी महान परंपरा को कहीं हम खो तो नहीं दे रहे हैं? लेकिन कभी उसको जगजोर किया जाए तो अनुभव आता है कि नहीं, आज भी ये सामर्थ्य हमारे देश में पड़ा है। किसी समय इस देश के एक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश को आह्वान किया था कि सप्ताह में एक दिन शाम का खाना छोड़ दीजिए, देश को अन्न की जरूरत है और इस देश के कोटि कोटि लोगों ने तेन तक्तेन भूंजी था, इसको अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाया था। और कुछ पीढ़ी तो लोग अभी भी जिंदा है जो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था सप्ताह में एक दिन खाना नहीं खाते, ऐसे लोग आज भी है। यही तो तेन तक्तेन भूंजी था का मंत्र हमारी रगों में पला है। पिछले दिनों ऐसे ही बातों में मैंने पिछले मार्च महीने में देश के लोगों के सामने एक विषय रखा था, ऐसे ही रखा था। रखते समय मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरे देश के जन सामान्य का मन इतनी ऊंचाइयों से भरा पड़ा है। कभी कभी लगता है हम उन ऊंचाइयों को पहुंचने में कम पड़ जाते हैं। मैंने इतना ही कहा था, अगर आप संपन्न हैं, आप समर्थ हैं, तो आप रसोई गैस की सब्सिडी क्या जरूरत है, छोड़ दीजिए ना, 1500 रुपये में क्या रखा है, इतना ही मैंने कहा था। और आज मैं मेरे देश के 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों के सामने सर झुका के कहना चाहता हूं और दुनिया के सामने कहना चाहता हूं, 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों ने अपनी गैस सब्सिडी छोड़ दी।
तेन तत्तेन भूंजी था और उसका परिणाम क्या है? परिणाम शासन व्यवस्था पर भी सीधा होता है। हमारे मन में विचार आया कि अगर 1 करोड़ परिवार गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ रहे हैं तो इसका हक सरकार की तिजोरी में भरने के लिए नहीं बनता है, ये फिर से गरीब के घर में जाना चाहिए। जो मां लकड़ी का चूल्हा जला करके 1 दिन में 400 सिगरेट जितना धुआं अपने शरीर में ले जाती है, उस मां को लकड़ी के चूल्हे से मुक्त करा करके रसोई गैस देना चाहिए। और उसी में से संकल्प निकला कि 3 साल में 5 करोड़ परिवारों को गैस सिलेंडर दे करके उनको इस धुएं वाले चूल्हे से मुक्ति दिला देंगे। यहां पर्यावरण के एक चर्चा में पर्यावरण का मुद्दा है। मैं समझता हूं 5 करोड़ परिवारों में लकड़ी का चूल्हा न जलना ये जंगलों को भी बचाएगा, ये कार्बन को भी कम करेगा और हमारी माताओं के, गरीब माताओं के स्वास्थ्य में भी परिवर्तन लाएगा। यहां पर नारी के एम्पावरमेंट की बात हुई, नारी की डिग्निटी की बात हुई है, ये गैस का चूल्हा उसकी डिग्निटी को कायम करता है, उसके स्वास्थ्य की चिंता करता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर तेन तत्तेन भूंजी था इस मंत्र में हम भरोसा करें, सामान्य मानवी को उसका विश्वास दिला दें, तो हम किस प्रकार का परिवर्तन प्राप्त कर सकते हैं ये अनुभव कर रहे हैं। हमारा देश, मैं नहीं मानता हूं हमारे शास्त्रों में ऐसी कोई चीज है जिसके कारण हम भटक जाएं। ये हम लोग हैं कि हमारी मतलब की चीजें उठाते रहते हैं और पूर्ण रूप से चीजों को देखने का स्वभाव छोड़ दिया। हमारे यहां कहा गया है नर करणी करे तो नारायण हो जाए, और ये हमारे ऋषियों ने मुनियों ने कहा है। क्या कभी उन्होंने ये कहा है कि नर भक्ति करे तो नारायण हो जाए? नहीं कहा है। क्या कभी उन्होंने कहा है कि नर कथा करे तो नारायण हो जाए? नहीं कहा। संतों ने भी कहा है नर करणी करे तो नारायण हो जाए, और इसलिए ये 51 अमृत बिंदु हमारे सामने हैं, उसका एक संदेश यही है कि नर करणी करे तो नारायण हो जाए, और इसलिए हम करणी से बाध्य होने चाहिए। और तभी तो अर्जुन ने को भी यही तो कहा गया था, योग कर्मशु कौशलम, यही हमारा योग है जिसमें कर्म की महानता को स्वीकार किया गया है। और इसलिए इस पवित्र कार्य के अवसर पर हम उस विचार प्रवाह को फिर से एक बार पुनर्जीवित कर सकते हैं क्या? तमसो मां ज्योतिर्गमया, ये विचार छोटा नहीं है। और प्रकाश कौन सा, वो कौन सी ज्योति? ये ज्योति ज्ञान की है, ज्योति प्रकाश की है। और हम ही तो लोग हैं जो कहते हैं कि ज्ञान को न पूर्व होता है न पश्चिम होता है, ज्ञान को न बीती हुई कल होती है, ज्ञान को न आने वाली कम होती है, ज्ञान अजरा अमर होता है और हर काल में उपकारक होता है। यह हमारी परंपरा रही है, और इसलिए विश्व में जो भी श्रेष्ठ हैं इसको लेना पाना पचाना इंटरनलाइज करना, ये हम लोगों को सदियों से आदत रही है। हम एक ऐसे समाज के लोग हैं जहां विविधताएं भी हैं और कभी कभी बाहर वाले व्यक्ति को कॉन्फ्लिक्ट भी नजर आता है, लेकिन दुनिया जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को लेकर के इतने सेमिनार कर रही है लेकिन रास्ते नहीं मिल रहे, हम लोग हैं जिन्हें इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का हमें सिखाया गया है। वरना दो एक्सट्रीम हम कभी भी नहीं सोच सकते थे। हम भगवान राम की पूजा करते हैं जिन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया था, और हम वो लोग हैं जो प्रहलाद की भी पूजा करते हैं जिसने पिता की आज्ञा का अवमानना की थी। कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट।
एक वो महापुरुष जिसने पिता की आज्ञा को माना, वो भी हमारे पूजनीय, और एक दूसरा महापुरुष जिसने पिता की आज्ञा का अनादर किया, वो भी हमारा महापुरुष। हम वो लोग हैं जिन्होंने माता सीता का प्रणाम करते हैं, जिसने पति और ससुर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन दे दिया, और उसी प्रकार से हम उस मीरा की भी भक्ति करते हैं जिसने पति की आज्ञा की अवज्ञा कर दी थी। यानी हम किस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को जानने वाले लोग हैं, ये हमारी स्थिति का कारण क्या है, और कारण ये है कि हम हठवादिता से बंधे हुए लोग नहीं हैं, हम दर्शन के जुड़े हुए लोग हैं, और दर्शन दर्शन तपी तपाई विचारों की प्रक्रिया और जीवन शैली में से निचोड़ के रूप में निकलता रहता है, जो समयानुकूल उसका विस्तार होता जाता है, उसका एक व्यापक रूप समय में आता है, और इसलिए हम उस दर्शन की परंपराओं से निकले हुए लोग हैं, जो दर्शन आज भी हमें इस जीवन के लिए जीने के लिए प्रेरणा देता है। यहां पर विचार मंथन में एक विषय यह भी रहा, वैल्यूज। वैल्यूज कैसे बदलते हैं? आज दुनिया में अगर आप में से किसी को अध्ययन करने का स्वभाव हो तो देखिए, दुनिया के समृद्ध समृद्ध देश जब वो चुनाव के मैदान में जाते हैं तो वहां के राजनीतिक दल राजनेता उनके चुनाव में एक बात बार बार उल्लेख करते हैं, और वो कहते हैं हम हमारे देश में फैमिलीज वैल्यू को पुनः प्रस्थापित करेंगे। पूरा विश्व परिवार संस्था, पारिवारिक जीवन के मूल्य, उसका महात्म्य बहुत अच्छी तरह समझने लगा है। हम उसमें पले बड़े हैं, इसलिए कभी उसमें छोटी सी भी इधर उधर हो जाता है, पता नहीं चलता है कि हम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। लेकिन हमारे सामने चुनौती है कि वैल्यूज, और वैल्यूज जाने वो विषय नहीं है कि आपकी मान्यता और मेरी मान्यता, जो समय की कसौटी पर कसकर के खड़े उतरे हैं वही तो वैल्यूज होते हैं, और इसलिए हर समाज के अपने वैल्यूज होते हैं। उन वैल्यूज के प्रति हम जागरूक कैसे हों? इन दिनों मैं देखता हूं अज्ञान के कारण कहो या तो इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण कहो, जब कोई बड़ा संकट आ जाता है, बड़ा विवाद आ जाता है, तो हम ज्यादा से ज्यादा ये कहकर के भाग जाते हैं ये तो हमारी परंपरा है। आज दुनिया इस प्रकार की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। हमने वैज्ञानिक आधार पर अपनी बातों को दुनिया के सामने रखना पड़ेगा, और इसलिए यही तो कुंभ के काल में ये विचार विमर्श आवश्यकता है, जो हमारे मूल्यों की, हमारे विचारों की धार निकाल सके। हम जानते हैं कभी कभी जिनके मुंह से परंपरा की बात सुनते हैं, यही देश ये मान्यता से ग्रस्त था कि हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने समंदर पार नहीं करना चाहिए, विदेश नहीं जाना चाहिए, ये हम लोग मानते थे। और एक समय था जब समंदर पार करना बुरा माना जाता था, वो भी एक परंपरा थी, लेकिन काल बदल गया। वही संत अगर आज विश्व भ्रमण करते हैं, सातों समंदर पार करके जाते हैं, परंपराएं उनके लिए कोई रुकावट नहीं बनती हैं, तो और चीजों में परंपराएं क्यों रुकावट बननी चाहिए, यह पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। और इसलिए परंपराओं के नाम पर अवैज्ञानिक तरीके से बदले हुए युग को, बदले हुए समाज को, मूल्यों के अधिष्ठान पर जीवित रखते हुए उसको मोड़ना, बदलना, दिशा देना, यह हम सबका कर्तव्य बनता है, हम सबका दायित्व बनता है। और उस दायित्व को अगर हम निभाते हैं तो मुझे विश्वास है कि हम समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। आज विश्व दो संकटों से गुजर रहा है, एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग,
दूसरी तरफ आतंकवाद। क्या उपाय है इसका? आखिर इसके मूल में कौन सी चीजें पड़ी हैं? होलियर देन थाउ, तेरे रास्ते से मेरा रास्ता ज्यादा सही है, यही तो भाव है जो कॉन्फ्लिक्ट की ओर हमें घसीटता ले चला जा रहा है। विस्तारवाद यही तो है जो हमें कॉन्फ्लिक्ट की ओर ले जा रहा है। युग बदल चुका है, विस्तारवाद समस्याओं का समाधान नहीं है। हम हॉरिजॉन्टल कितने ही जाएं समस्याओं का समाधान नहीं है, हमें वर्टिकल जाने की आवश्यकता है, अपने भीतर को ऊपर उठाने की आवश्यकता है, व्यवस्थाओं को आधुनिक करने की आवश्यकता है, नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए उन मूल्यों को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। और इसलिए समय रहते हुए मूलभूत चिंतन के प्रकाश में, समय के संदर्भ में, आवश्यकताओं की उपज के रूप में नई विधाओं को जन्म देना होगा। वेद सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी हम ही लोग हैं जिन्होंने वेद के प्रकाश में उपनिषदों का निर्माण किया। उपनिषद में बहुत कुछ है, लेकिन समय रहते हमने भी वेद के प्रकाश में उपनिषद, उपनिषद के प्रकाश में स्मृति और स्मृतियों को जन्म दिया। और उसी और स्मृति और स्मृतियां जो उस कालखंड को दिशा देती है, उसके आधार पर हम चले। आज हम में से किसी को वेद के नाम भी मालूम नहीं होंगे, लेकिन वेद के प्रकाश में उपनिषद, उपनिषद के प्रकाश में श्रुति और स्मृति, वो आज भी हमें दिशा देती है। समय की मांग है कि अगर 21वीं सदी में मानव जात का कल्याण करना है, तो चाहे वेद के प्रकाश में उपनिषद रही हो, उपनिषद के प्रकाश में स्मृति और श्रुति रही हो, तो उस स्मृति और श्रुति के प्रकाश में 21वीं सदी के मानव के कल्याण के लिए किन चीजों की जरूरत है, ये 51 अमृत बिंदु शायद पूर्णता न हो, कुछ कमियां उसमें भी हो सकती है। क्या हम हर कुंभ के मेले में ऐसे अमृत बिंदु निकाल करके आ सकते हैं? मुझे विश्वास है कि हमारा इतना बड़ा समागम, कभी कभी मुझे लगता है दुनिया हमें कहती है कि हम बहुत ही अनऑर्गेनाइज लोग हैं, बड़े ही विचित्र प्रकार का जीवन जीने वाले, बाहर वालों के नजर में हमें देखते हैं, लेकिन हमें अपनी बात दुनिया के सामने सही तरीके से रखने की आती नहीं है। और जिनको रखने की जिम्मेवारी है और जिन्होंने इस प्रकार के काम को अपना प्रोफेशन स्वीकार किया है, वे भी समाज का जैसा स्वभाव बना है शॉर्टकट पर चले जाते हैं। हमने देखा है कुंभ मेला, यानी एक ही पहचान बना दी गई है, नागा साधु, उनकी फोटो निकालना, उनका प्रचार करना, उनको दर्शन के लिए जाना, इसी के आसपास उसको सीमित कर दिया गया है।